अगर आपका भी वोटर कार्ड खो गया है या फिर वोटर कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर था वो मोबाइल नंबर फ्रेंड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके वोटर कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो कैसे आप अपने ओरिजिनल वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं? तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर चले आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और फॉर्म 8 का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, और अदर इलेक्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वोटर नंबर एंटर कर लेना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको करेक्शन एंट्रीज एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रल रोल जो सेकंड ऑप्शन है उस पर टिक कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और सिंपली ओके का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका फॉर्म 8 ओपन हो जाएगा फिल करने के लिए। स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक पेज मिलेगा एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज। इस पर आप इस पेज में आपको सिंपली नीचे आ करके जो भी अपडेट करना चाहते हैं, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर टिक कर लेना है, नीचे में वो मोबाइल नंबर डालना है जो लिंक करना चाहते हैं, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, वेरीफाई कर लेना है, और नीचे फिर से नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कर लेना है, और फिर से आपको यहाँ पर अपना नेक्स्ट का जो है ऑप्शन उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स कैप्चा फिल कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और प्रीव्यू एंड सबमिट का जो नीचे ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, सबमिट पर यहाँ क्लिक कर लेना है और यस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक्नॉलेजमेंट कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा आपका। वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए बैक आना है, इपिक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना वोटर नंबर और स्टेट सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपका यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगा, नीचे में सेंड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड एपिक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो न्यू वाला वोटर कार्ड है वो कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा, पुराने वोटर से न्यू वोटर कार्ड।